मैं हूं आपके साथ अलका। हम सुप्रीमो जीतन रामाजी ने नीतीश सरकार के अफसरों के खिलाफ विवादित तो बयान देकर सियासी गलियारों में हरकंप मचा दिया है। हम सुप्रीमो राज्य में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया है। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक के दौरान जीतन राम मांझी ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में अफसर विधायकों से बढ़िया बर्ताव नहीं करते हैं। यह समस्या अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मांझी नीतीश सरकार के अफसरों पर आरोप लगा चुके हैं। आज के बजट के बारे में तो आप लोगों को नीतीश सरकार ने बीते दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2,18,302 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं बजट पेश होने के बाद से विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में एलजेपी के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू ने भी बजट को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा किया तो बिहार की जनता को कुछ चाहिए। बिहार की आवाम ने फिर से नीतीश कुमार जी पर अगर भरोसा किया है तो बिहार की आवाम को कुछ चाहिए। और आज का जो बजट हुआ कोई खास बजट नहीं है। तो बजट से ना ज़्यादा हम निराश हैं, ना ज़्यादा हम खुश हैं। और जिस तरीके से बजट पेश किया गया उस पर अमली पैजामा पहनाया जाए न कि बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को किसान अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। पटना में किसान नेता रामचंद्र महतो ने बताया कि हमारी सरकार से मांग है कि सरकार तीनों कृषि विरोध काले कानून को वापस ले, साथ ही कृषि उत्पादकों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की कानूनी गारंटी दे। आपको बता दें कि कृषि कानून ने विरोध में किसानों का प्रदर्शन देश के विभिन्न हिस्सों में जारी है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं।